राजधानी दिल्ली आधुनिक भारत की एक सशक्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। यहाँ से भारतीय इतिहास के कुछ सर्वाधिक शक्तिशाली राजाओं और बादशाहों ने अपना शासन चलाया था। एक तरफ बंजर रेगिस्तान तो दूसरी तरफ उपजाऊ मैदान से घिरा ये क्षेत्र सुरक्षा और आजीविका का एक बेहतरीन संगम है। यहाँ तक कि मध्य एशिया से आए आक्रमणकारियों ने भी, जिन्होंने इस शहर को अपनी राजधानी बनाई थी, अपने पतन से पहले इस जगह को कला और स्थापत्य संरचना के रूप में बहुत कुछ दिया, जो आज भी भारत के समृद्ध इतिहास का प्रतीक है। आम तौर पर ये कहा जाता है कि दिल्ली 7 शहरों का एक समूह है। दिल्ली कई बार विध्वस्त हुआ और इसे 7 बार पुनः स्थापित किया गया। 13वीं शताब्दी के दौरान दिल्ली कुव्वत उल इस्लाम बनाया गया और ये पूर्वी भाग मुख्य इस्लामिक प्रशासनिक केंद्र के तौर पर स्थापित हुआ। 13वीं शताब्दी के पहले भी दिल्ली एक महत्वपूर्ण स्थान था, परंतु एक शाही राजधानी के तौर पर नहीं। उस वक्त ये केवल कुछ विभिन्न राजपूत वंशों का एक प्रशासनिक केंद्र था। 13वीं शताब्दी में दिल्ली को पहली बार अहमियत मिली मुस्लिम तहजीब के मुख्य केंद्र के रूप में, और अरबी भाषा में इसे कुव्वत उल इस्लाम, जन्नत अदन जैसे कई नाम मिले। 13वीं शताब्दी के दौरान ही दिल्ली को इस्लामिक तहजीब के एक मुख्य केंद्र के रूप में पहचान मिली। पहला इंडो इस्लामिक शहर जो दिल्ली के दक्षिणी भाग में स्थित है वो है कुतुब मेहरौली, जहां बड़ी संख्या में स्मारकों का निर्माण किया गया था, महलों का, हर तरह के महल जिनके अलग अलग रंग रूप थे, अलग लोगों के लिए, जैसे शासकों और प्रमुख लोगों के लिए। इनमें से कुछ आज भी अतीत की निशानी के तौर पर आसमान छू रहा है और बदलते समय के थपेड़ों को झेलते हुए बीते समय की यादों को खूबसूरती से बिखेर रहा है। कुतुब कॉम्प्लेक्स इनमें से पहला है और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1192 ईस्वी में भारत पर मुसलमानों के फतेह को जश्न के रूप में मनाने के लिए किया गया था। ये घोषणा थी कला और स्थापत्य कला के नए युग की और भारतीय पहचान में धीरे धीरे बढ़ता हुआ विदेशी प्रभाव का। इस शहर का मुख्य आकर्षण मस्जिद सह मदरसा भवन समूह था, जिसे यहाँ की शक्तिशाली सांस्कृतिक केंद्र माना जाता था। ये मस्जिद दिल्ली का पहला जामा मस्जिद था, जिनके अवशेष आज भी कुतुब भवन में देखे जा सकते हैं। इसे जिस शैली में बनाया गया है उसे प्राचीन इंडो इस्लामिक शैली भी कहा जा सकता है। भारत का वास्तुशिल्पीय शैली की पहचान ट्रेबियट के तौर पर होता है, जिसमें छत का आधार के तौर पर खंभों का इस्तेमाल होता है। वहीं अरबी या इस्लामी वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का भारी मात्रा में इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसे आर्कुएट कहा जाता है। और वही समय भारतीय वास्तुकला में आर्कुएट फेज का शुरुआत भी था। इस मस्जिद ने यहाँ रह रहे मुस्लिम निवासियों के जीवन से जुड़ी कई सामाजिक उद्देश्यों को पूरा किया है। एक प्रमुख प्रार्थना स्थल के अलावा इस जगह का इस्तेमाल कई विरोध प्रदर्शन, प्रमुख फैसले और उत्सव मनाने के लिए किया जाता था। इस परिसर के निर्माण के समय अधिक मात्रा में मंदिर के सामानों का पुनः इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से इस परिसर में कई अनोखी विशेषताएं देखने को मिलती है। एक और महत्वपूर्ण विशेषता जो इस कुतुब परिसर में देखी जा सकती है वो है हस्तलिपि। हस्तलिपि एक कला है जिसे इस्लामिक संस्कृति में प्रधानता दी जाती है, क्योंकि इस्लामिक संस्कृति में प्रदर्शनी और जीवंत वस्तुओं को दर्शाना पूरी तरह निषेध है। यहाँ जो मेहराब बना है ये बनावटी मेहराब है और ये असली मेहराब नहीं है, क्योंकि भारतीय कारीगर असली मेहराब बनाने की तकनीक से अच्छी तरह से नहीं जानते थे। लेकिन मस्जिदों को गुंबदों के साथ बनाया गया था, लेकिन अभी ये बिना गुंबद का मस्जिद है। लेकिन इसके गैलरी और दीवारों को भारी मात्रा में मंदिर के सामग्रियों के पुनः इस्तेमाल से बनाया गया था, जो इस मस्जिद को कई प्रमुख विशेषताएं प्रदान करती है। कुव्वतुल इस्लाम भारत में निर्माण किया गया पहला मस्जिद था। सबूतों से पता चलता है कि इस मस्जिद का निर्माण कुतुब मीनार से भी पहले करवाया गया था। विशाल मीनार का निर्माण प्रार्थना के मकसद से भी किया गया था, ताकि प्रार्थना करने की घोषणा मीनार की पहली मंजिल से
की जा सके। ऐसा नहीं कि इसका निर्माण एक बार में ही हुआ, काफी समय तक इसका निर्माण चलता रहा। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से प्रारंभ हुआ और कई सुल्तानों के सल्तनत काल तक चलता रहा और इसका पूर्ण निर्माण 13वीं सदी के अंत तक खत्म हुआ। ये मीनार सिर्फ मुअज्जिनों के लिए बना एक प्रार्थना स्थल नहीं था, बल्कि ये एक प्रतीक था इस्लामिक साम्राज्य के फतेह का। इसे लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था और इसका आकार और विशाल रूपरेखा ही इसके प्रतिष्ठा का प्रतीक है। बाद में संगमरमर और बलुआ पत्थर से इसके चौथे और पांचवें मंजिल का निर्माण किया गया, जो इसे एक अलग रूप देता है। हमने देखा है कि कुतुब भवन समूह में लाल बलुआ पत्थर के इस्तेमाल को बहुत महत्व दिया गया है और ज्यादातर लाल बलुआ पत्थर ही इस्तेमाल किया गया है और यहाँ की हस्तलिपि ज्योमेट्रिकल डिजाइन में है, जो अधिकतर कूफिक लिपि में है। ज्यादातर लाल बलुआ पत्थर पर बारीकी से काम करना पड़ता है क्योंकि ये इतना नाजुक होता है कि तराशी के दौरान इसके टूटने का डर बना रहता है। 120 मीटर की ये ईंटों से बनी मीनार विश्व की सबसे ऊंची मीनार है और शायद सबसे शानदार में से एक। पहले ये मीनार अलग खड़ा था, मालूम होता था कि मस्जिद के मुख्य भवन से अलग है, लेकिन इल्तुमिश जो कुतुबुद्दीन के दामाद और उत्तराधिकारी थे, उन्होंने इस मस्जिद की चौड़ाई बढ़ा दी ताकि मस्जिद और मीनार एक ही परिसर में आ जाए। उन्होंने उस समय के आधुनिक वास्तुकला को बारीकी से इस्तेमाल कर मस्जिद परिसर और मीनार के इर्द गिर्द और भी कई भवन समूह का निर्माण किया। भले ही पहली बार देखने में ये मीनार की तरह अद्भुत न लगे, परंतु इस प्रांगण में बना 23 फुट लंबा लोह स्तंभ किसी पहेली से कम नहीं लगता। ये धातु से बनी उत्तम रचना भारतीय लोहारों के अविश्वसनीय कौशल को प्रदर्शित करता है। इस स्तंभ के शीर्ष और तल पर अंकित शिलालेख उदयगिरी के गुप्त वंश के रचनाओं को दर्शाता है। फिरोज शाह तुगलक को इतिहास के प्रति काफी दिलचस्पी थी, तो जब उन्हें ये बताया गया कि मेरठ में एक बेहतरीन लोह स्तंभ है, तो उन्होंने उसे यहाँ लाने का फैसला किया, दिल्ली लाने का और सबसे महत्वपूर्ण जगह पर स्थापित करने का। अशोक के समय उस शिलालेख का अध्ययन उसके बाद ही शुरू हुआ। वो शिलालेख क्या है ये कोई नहीं जानता था। कुतुब मीनार शाही कल्पनाओं और शक्ति का प्रतिनिधित्व करता एक ऐसा स्मारक चिन्ह है जो मीलों दूर से दिखाई देता है। तो जब अति महत्वाकांक्षी अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बना, तो उसने फैसला किया एक मीनार बनाने का जो कुतुब मीनार से भी ऊंचा हो। लेकिन दुर्भाग्यवश अलाई मीनार की पहली मंजिल बनने के उपरांत ही उनकी मृत्यु हो गई और वो मीनार और उनका सपना अधूरा रह गया। अलाउद्दीन खिलजी वास्तुकला से प्रेरित भी था और उसे पूरा करने का संसाधन भी उसके पास मौजूद था, जिसका बेहतरीन ढंग से उपयोग उसने अलाई दरवाजे के निर्माण कार्य में किया था। उन्होंने एक विशाल प्रवेश द्वार का निर्माण करवाया जो अलाई दरवाजे के नाम से जाना जाता है, जिसमें खूबसूरत हस्तलिपि भी नजर आती है। हस्तलिपि विद्या के विशेषज्ञ कारीगरों ने अलाई दरवाजा बनाया था। उन्होंने मूल नक्श शिलालेख कला को अपनी बेहतरीन कारीगरी के साथ मिलाकर इस स्मारक के हर इंच को सजाया था। कुतुब भवन समूह पत्थरों पर अंकित भारतीय सभ्यता के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। भारत भले ही आज आधुनिकता और विकास के साथ नई ऊंचाइयों को छू रहा हो, परंतु यहाँ के ऐतिहासिक स्मारक लोगों को अपने गौरवपूर्ण अतीत के तरफ खींच लाते हैं। हुमायूं का मकबरा सबसे नायाब तरीके से गुलाम वंश के पतन के बाद एक नई शक्ति इस शहर में इतिहास रचने को तैयार थी। मुगल अपने साथ फारसी परंपरा लेकर आए, जिसका प्रभाव उस समय दिल्ली में काफी रहा और उन संरचनाओं पर भी जो वो अपने पीछे छोड़ गए थे।
एक स्मारक जो मुगल वास्तुकला का प्रारंभिक नमूना है वो है हुमायूं का मकबरा। ऐतिहासिक तौर पर अंत्येष्टि वास्तुकला इंडो इस्लामिक काल में बड़े पैमाने पर विकसित हुआ था और हुमायूं का मकबरा इसका एक उदाहरण है। सन 1569 में हुमायूं की पत्नी द्वारा इस मकबरे को बनवाया गया जिसे पूरा होने में 10 साल का वक्त लगा था। ये विशाल बागीचा फारसी डिजाइन के बागीचे का पहला उदाहरण था जिसके तीन भाग पानी से घिरे हुए थे। ये मकबरा वर्षों तक वीरान रहा लेकिन 1993 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया। दिल्ली के इस स्मारक में लोग आज बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं और मध्यकालीन भारत के इस मकबरे की झलकियों का आनंद ले सकते हैं। इस मकबरे में इस्तेमाल की गई परियोजना बहुत ही दिलचस्प थी और इस शैली को हष्ट बिहष्ट कहते हैं जिसमें स्क्वायर को काट कर ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर दिया जाता था और बीच में भी बनाया जाता था, तो ये कुल मिलाकर 9 स्ट्रक्चर होते थे जिसका इस्तेमाल बाद में फिर बहुत से स्मारकों में भी किया गया। कई मायनों में हुमायूं का मकबरा इस्लामी वास्तुकला शैली और राजपूत वास्तुकला शैली के मिश्रण का संकेत देता है। इस मकबरे में बालकनी, छज्जे और यहाँ तक कि छत के ऊपर छतरियों का भी प्रयोग है जो स्थानीय प्रभाव को दर्शाता है। चारबाग की संरचना दरअसल मूल रूप से मध्य एशियाई शैली है जहां तिमुरिड भवनों का निर्माण किया गया। तैमूर के समय में जहां मकबरा बनाया जाता था, यहां तक कि तैमूर का भी मकबरा उसी चारबाग शैली में बना है, तो हमीदा बानो ने फैसला किया कि वो अपने शौहर हुमायूं के मकबरे के लिए उसी शैली का इस्तेमाल करेंगी। और वो सिर्फ 99x99 यार्ड की चौकोर जगह नहीं थी बल्कि इस विशाल इमारत की रूपरेखा दी गई। वहां हाकिमों के लिए कमरे बनवाए गए। हाकिम वो होते थे जो दिवंगत आत्मा की शांति के लिए कुरान पढ़ते थे, तो उन्हें वहाँ रात भर रहना पड़ता था और दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करनी पड़ती थी। तो ये जगह मुगल काल मुगल सल्तनत की एक अहम नीति बन गई कि सही मकबरा कैसा होना चाहिए। और 17वीं और 18वीं शताब्दी में आने वाली इमारतों के लिए ये एक खास उदाहरण बन गई जो अपने आप में बेमिसाल मानी जाती है। इस भवन की बनावट लगभग 1,00,000 स्क्वायर फीट में फैली हुई है और इसकी ऊंचाई तकरीबन 160 फीट है। इस मकबरे के निर्माण में 3,000 टन बलुआ पत्थर और संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है जो 300 किलोमीटर दूर से लाया जाता था। लेकिन समाधि की सबसे मूल विशेषता इसका विशाल प्रवेश द्वार होगा जिसे फारसी में ईवान कहते थे। इसके मुख्य मेहराब का डिजाइन सफेद पत्थर से बनाया गया था। इसकी सुंदरता 600 साल के बाद भी लोगों को अपनी ओर खींच लाता है। आम तौर पर गुंबद इमारत के सामने वाले हिस्से की वजह से ढक जाता था मुख्य द्वार की वजह से, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ गुंबद को बनाने के पीछे इरादा ये था कि गुंबद की खूबसूरती दिखाई दे। इस मकबरे में सबसे अनोखा फारसी विशेषता का जो प्रयोग किया गया था वो है इसका जोड़ा गुंबद। इस विशाल मकबरे का बाहरी गुंबद बाहरी संरचना का आधार है जबकि आंतरिक गुंबद मकबरे के अंदरूनी हिस्से को आकार देता है। इस इमारत के अंदर खूबसूरत फव्वारे, पक्के रास्ते और बगीचे बनाए गए थे। मकबरे को बगीचे के बीच बनाने से इसकी खूबसूरती बहुत बढ़ जाती थी और साथ ही साथ इसे देखकर ये कल्पना की जाती थी कि भगवान स्वर्ग में इसी तरह के कई बगीचों से लोगों को नवाजते होंगे। तो इसके खूबसूरत और प्रतीकात्मक दोनों रूप थे। ये भव्य स्मारक इतना ज्यादा लोकप्रिय हो गया कि मुगल परिवार के कई सदस्यों को इसी मकबरे में दफनाया गया। बिल्कुल यही ये जगह मुगल
सल्तनत का शाही मकबरा बन गई और इस तरह मुगल परिवार इसके साथ हमेशा जुड़े रहे, हमेशा इसे अपने अधीन रखा और इस मकबरे की खूबसूरती बनाए रखी। और इतना ही नहीं, जब सन 1857 में मुगल अंग्रेजों से युद्ध हार गए, तब बहादुर शाह जफर को आश्रय लेने के लिए हुमायूं मकबरे से बेहतर और कोई जगह नहीं सूझी। और जैसे ही अंग्रेजों ने औपचारिक तौर पर दिल्ली की बागडोर संभाली, उसी दिन से इस शाही मकबरे का पतन का वक्त शुरू हो गया। कुछ समय के लिए इस खूबसूरत फारसी बगीचे की बनावट को बदलकर गोलाकार अंग्रेजी शैली में बना दिया गया और जहां फूलों की चादर हुआ करती थी वहां पेड़ लगा दिए गए। सन 1909 के बाद ही इस जगह को फिर से फारसी मौलिक रूप दिया गया। आश्चर्यजनक बात यह है कि इस स्थान पर यह इकलौता मकबरा है जिसे किसी भी मुगल बादशाह या राजकुमार को समर्पित नहीं किया गया है। ये मकबरा अफगान के एक रईस ईसा खान नियाजी से संबंधित है, जो शेर शाह सूरी द्वारा अधिकृत एक अफसर थे और मुगलों से युद्ध के लिए नियुक्त किए गए थे। हालांकि आज दुनिया कितनी भी बदल गई हो, लेकिन फिर भी मुगल काल के इस खूबसूरत हुमायूं मकबरे की तुलना नहीं हो सकती, चाहे वो इसकी विशाल संरचना हो या फिर इच्छा शक्ति। और मुगल सल्तनत की तरह ही ये स्मारक दिल्ली में अपने अतीत का परचम सदा लहराता रहेगा। दिल्ली में कुतुब मेहरौली शहर बनने के पश्चात ऐसे कई शहर बनाए गए और हर एक शासक दिल्ली में कई स्मारक बनवाकर अपनी छाप छोड़ना चाहते थे। वो दरअसल अपने सभी कामों से और स्मारक बनवाकर दोनों से ही। 17वीं शताब्दी में शाहजहां को ये एहसास हुआ कि मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा, यहाँ के शासक वर्ग की बढ़ती आबादी, सम्राट और यहाँ के रईस वर्ग के लिए काफी नहीं है। उस वक्त इस शहर की आम आबादी भी तेजी से बढ़ती जा रही थी, यहाँ की सड़कें पतली थी और शाही जुलूसों के वक्त बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आती थी। इसलिए उन्होंने दिल्ली के उत्तरी भाग में यमुना किनारे एक भव्य शहर का निर्माण करवाने का अहम फैसला लिया। शाहजहानाबाद शहर मुगल वास्तुकला की शान है। शाहजहां ने यह सुनिश्चित की थी कि नई राजधानी की भव्यता उनकी कल्पना के अनुसार हो और दीवारों से घिरा लाल किला हमेशा के लिए इतिहास में एक शानदार संरचना के तौर पर दर्ज हो गया। और ये सिर्फ एक साम्राज्य का प्रतीक ही नहीं है, बल्कि मुगल वास्तुकला का एक अमर इतिहास भी है। भले ही इस निर्माण की विशेषता मुगल वास्तुकला को दर्शाती हो, लेकिन लाल किले की बनावट में कई सांस्कृतिक प्रभावों का मिश्रण दिखता है। इसके ऊंचे फारसी द्वार पर राजपूत शैली के बुर्ज और तोपों के लिए मंच बनाया गया था और खूबसूरत छतरी और मेड़ भी बनवाया गया था। इस किले में एक परिसर बनवाया गया जिसे किला ए मोहल्ला कहा जाता था। आज ये रेड फोर्ट के नाम से मशहूर है, लेकिन ये शब्द रेड फोर्ट कभी उपयोग नहीं किया गया क्योंकि ये इंग्लिश भाषा शब्द है और लाल किला रेड फोर्ट का अनुवाद है। लाल किला बेशक एक भव्य महल था जिसे बादशाह के ऐशो आराम के लिए बनाया गया था और साथ ही साथ इसका सैन्य सुरक्षा के मद्देनजर रखकर भी निर्माण किया गया था। इसके चारों तरफ विशाल दीवारें बनवाई गईं और उन दीवारों के चारों ओर गहरी खाई थी जो पानी से भरी रहती थी। लाल किले के मुख्य प्रवेश से पहले एक भव्य द्वार बनाया गया जिसे लाहौरी द्वार कहा जाता है। इसका ये नाम उस शहर के ऊपर पड़ा जिस शहर के सम्मुख ये दरवाजा बना है। इस अतुल्य किले के चारों तरफ अभेदी दीवार बनी हुई है तो दूसरी तरफ इसके छत पर तोपों के लिए विशेष जगह बनाई गई है। साथ ही किले के दोनों ओर तोप स्थापित की गई है और ये किला आज भी एक महान साम्राज्य की शक्ति और आत्मविश्वास का गुणगान करता खड़ा है। एक और विशिष्ट मुगल संरचनाओं में से एक है नौबत खाना। इसका इंग्लिश में शाब्दिक अर्थ है ड्रम हाउस, जहां संगीत और सांस्कृतिक समारोह हुआ करता था। नौबत खाना में बनी छोटी खिड़कियां प्रवेश द्वार की तरफ थी और वहां बैठे संगीतकार सम्राट संगीत बजाने लगते थे
जो एक तरह से सम्राट के आने की घोषणा होती थी। इन खिड़कियों की बनावट संगीत की धुन को बढ़ाने का काम करती थी। दीवाने आम वो जगह थी जहां सम्राट सार्वजनिक सभा किया करते थे। ये तीन तरफ से खुला हुआ एक विशाल कक्ष था और उसमें कई खंभे लगाए गए थे जिन पर खूबसूरत नक्काशियां की गई थी। दीवाने आम में पीकॉक थ्रोन के चारों तरफ पर्याप्त जगह है और सम्राट के लिए बना स्थान बाकी लोगों के मुकाबले उनके व्यक्तित्व और प्रभाव की श्रेष्ठता को दर्शाता था। उनकी थ्रोन इस तरह से बनाई गई थी कि इस दीवाने आम से हर व्यक्ति हर कोने से उनको देख सके। इसके उत्तर में था दीवाने खास। जैसे कि इसके नाम से पता चलता है, ये सम्राट के विशिष्ट अतिथियों के लिए बनाया गया था और यहाँ आए अतिथियों ने इस जगह की शानो शौकत के बारे में बहुत कुछ लिखा भी है। दीवाने खास के सामने शाही द्वार बनाया गया था जिसमें कई मेहराब की श्रृंखला बनाई हुई थी जिस पर कई जटिल और खूबसूरत नक्काशियां अंकित थी। और इसका सबसे खूबसूरत और महत्वपूर्ण अंश था इसका चांदी छत, जिसे 18वीं शताब्दी में मराठाओं ने गलाकर नीलाम कर दिया था अपने सैनिकों को वेतन देने के लिए। इसकी बाकी इमारतें ज्यादातर आवासिक उपयोग के लिए थी, जैसे मुमताज महल जिसमें 6 कमरे थे। आज ये जगह लाल किले का पुरातत्व संग्रहालय है। और इनमें सबसे भव्य था रंग महल, जहां सम्राट की पटरानियां रहती थी। और इस खूबसूरत रंग महल के बारे में इतिहास में काफी कुछ उल्लेख है, जैसे आईने और रंग बिरंगे रत्नों से बने झालर। गुजरते वक्त के साथ भले ही इस जगह का रंग फीका पड़ गया हो, लेकिन इसकी बनावट, ऐश्वर्य और डिजाइन अभी भी वही है। इस पूरे भवन समूह का मुख्य भाग था मोती मस्जिद, एक छोटा सा 3 गुंबद वाला मस्जिद जो विशेष तौर पर सम्राट औरंगजेब के व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए बनाया गया था। यहाँ पर एक बाजार बनवाया गया जिसका नाम था छठ चौक। यहाँ पर आज भले ही ढेर यादगार वस्तुओं की दुकानें हैं, लेकिन उस जमाने में यहाँ शाही परिवार द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं बेची जाती थी, जैसे हीरे जेवरात और रेशम। ये मुगल काल के दौरान बने सभी भवनों में सबसे